हाय, आई एम शिवांगनी और आज हम क्लास 10th बुक रिजोल्यूशन चैप्टर नंबर 5 द पर्पल जार के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, जैसे संतोष मैडम, कलावती मैडम, साक्षी जी आदि, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको भी कोई चैप्टर पसंद हो या कहीं पे दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। Rosamund, a little girl, was about 7 years, was walking with her mother in the street of London. Rosamund, एक छोटी 7 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ लंदन की बाजार में घूम रही थी। As she passed along, she looked at the windows of several shops and she saw a great variety of different sorts of things, of which she did not know the use or even the names. जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, वो खिड़कियों से दुकानों को देख रही थी जहाँ पे उसे बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी। कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो वो नहीं जानती थी कि उनको कैसे यूज़ करते हैं, और कुछ तो ऐसी थी जिनका वो नाम भी नहीं जानती थी। शी विश्ड टू स्टॉप एंड लुक एट देम, बट देर वॉज अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट एंड अ ग्रेट मैनी कार्स, कैरेजेस एंड अ व्हील बैरोज, एंड शी वॉज अफ्रेड लेट टू गो हर मदर्स हैंड। वो चाहती थी कि वो रुक कर उन दुकानों को देखे, लेकिन वहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत सारी बैलगाड़ी वगैरह थी, बहुत सारे ठेले थे, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ उसका हाथ छोड़कर चली जाए। ओह मदर, हाउ हैप्पी आई शुड बी, सैड सी, एज शी पास्ड अ टॉय शॉप, इफ आई हैड ऑल दीज प्रिटी थिंग्स। ओह माँ, मैं कितनी लकी होती अगर मैं इन सारी चीजों को ले सकती, रोजामंड ने कहा। वॉट ऑल डू यू विश फॉर ऑल देम रोजामंड, क्या सब कुछ, क्या तुम इन सब चीजों के लिए बोल रही हो रोजामंड? यस मोमा ऑल, हाँ माँ सब कुछ। एज शी स्पोक दे केम टू अ मिलीनियर्स शॉप वेयर वर द विंडोज वर हंग विद रिबन्स एंड लेस एंड फेस्टून्स ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स। जैसे ही वे एक कलाकार की दुकान के पास आए, उन्होंने देखा कि खिड़की के चारों ओर रिबन्स और आर्टिफिशियल फ्लावर्स के गुच्छे वगैरह लटक रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ओह मम्मा, वॉट ब्यूटिफुल रोजेज, वॉन्ट यू बाय सम ऑफ देम? ओह मम्मा, कितने सुंदर फूल है, क्या तुम उनमें से कोई भी नहीं खरीदना चाहती? नो माई डियर, नहीं मेरी बेटी। वाई, क्यों? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट देम माई डियर, क्योंकि मैं उन्हें नहीं चाहती। दे वेंट अ लिटिल फर्दर एंड दे केम टू अनदर शॉप विच कॉट रोजामंड्स आई। इट वॉज अ ज्वेलर्स शॉप एंड देर वॉज अ ग्रेट मैनी पिटी बॉबल्स रेंज्ड इन ड्रॉवर्स बिहाइंड ग्लासेस। जैसे ही वे थोड़ा आगे गए तो एक ऐसी दुकान आई जिस पर से रोजामंड की आंख ही नहीं हटी, जो कि एक ज्वेलरी शॉप थी, एक सोनार की दुकान थी। वहां पर बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें कांच के पीछे ड्रॉवर में पड़ी थी। मम्मा यू विल बाय सम ऑफ दीज, मम्मा क्या तुम इनमें से कुछ खरीदोगी? विच ऑफ देम रोजामंड, इनमें से कौन सी रोजामंड? विच आई डोंट नो विच, बट By any one of them will do, all they are pretty. कौन सी, ये तो मुझे नहीं पता कौन सी, लेकिन तुम उनमें से कोई भी खरीद लो, क्योंकि ये सारी ही बहुत सुंदर है। Yes, these all are pretty, but what use would they be to me? हाँ, ये सब सुंदर है, लेकिन मैं इनका क्या करूंगी? Use? Oh, I'm sure you could find some uses or the other from them if you would buy them first. उनका उपयोग, मैं श्योर हूँ कि तुम कोई ना कोई उपयोग निकाल ही लोगी अगर तुम उन्हें पहले खरीदो तो। But I want rather find out the use first. लेकिन मैं उसका उपयोग पहले जानना चाहती हूँ। Well then, mama, there are buckles. You know that buckles are a useful thing, very useful thing. चलो तो वहां पर देखो, बकल्स भी है, और तुम जानती हो कि बकल्स बहुत ही यूजफुल थिंग है। आई हैव अ पेयर ऑफ बकल्स, मेरे पास बकल्स की एक जोड़ी है। आई डोंट वॉन्ट द अनदर,
मैं एक और नहीं चाहती, सेड हर मदर एंड वॉकड ऑन। ऐसा कहकर उसकी माँ चली गई। रोजामंड वॉज वेरी सॉरी दैट हर मदर वॉन्टेड नथिंग। रोजामंड बहुत ही उदास हुई क्योंकि उसकी माँ कुछ भी नहीं चाहती थी। प्रेजेंटली हाउ एवर दे केम टू अ शॉप विच अपियर टू बी फार मोर ब्यूटिफुल देन द रेस्ट। इट वॉज अ केमिस्ट शॉप बट शी डिडेंट नो दैट। कैसे भी वो आगे बढ़े और एक ऐसी दुकान आई जो कि दूर से बाकी की सारी दुकानों से और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, जो कि एक केमिस्ट की शॉप थी। लेकिन रोजामंड को ये नहीं पता था। ओह मदर ओह, क्राइड शी पुलिंग हर मदर्स हैंड। वो अपने माँ को हाथ को खींचती हुई बोला कि ओह माँ, लुक लुक ब्लू ग्रीन रेड येलो एंड पर्पल। ओह मोमा व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स, वॉन्ट यू बाय सम ऑफ दीज। देखो देखो माँ, नीली हरी लाल पीली और पर्पल, कितनी सारी सुंदर चीज़ें हैं, क्या तुम इनमें से कुछ भी नहीं खरीदोगी। स्टिल हर मदर आंसर्ड एज बिफोर, ऑफ वॉट यूज वुड दे बी टू मी रोजामंड। फिर भी उसकी माँ ने वही जवाब दिया जो कि उसने पहले दिया था कि ये मेरे क्या काम किया रोजामंड। यू माइट पुट फ्लावर्स इन दैम मम्मा एंड दे वुड लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस। आई विश आई हैड वन ऑफ देम। तुम उनमें फूल रख सकती हो मम्मा और वो जो चिमनी पीस है उस पर ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। मैं काश मैं इनमें से एक ले पाती। यू हैव अ फ्लावर पॉट सेड हर मदर एंड दैट इज नॉट अ फ्लावर पॉट। तुम्हारे पास एक फूलदान है उसकी माँ ने कहा, लेकिन ये जो तुम देख रही हो ये एक फूलदान नहीं है। बट आई कुड यूज इट फॉर फ्लावर पॉट मम्मा, यू नो। आप जानती हो मम्मा कि मैं इसे एक फूलदान की तरह यूज कर सकती हूँ। परहैप्स इफ यू वर टू सी इट नियर, इफ यू वर टू एग्जामिन इट यू माइट बी डिसअपॉइंटेड। लेकिन शायद तुम इसे और भी करीब से देखो, इसे जांच पड़ताल करो इसकी, तो तुम इसे बहुत ही निराश होगी। नो इंडीड आई एम श्योर आई शुड नॉट। वास्तव में नहीं होंगी मैं श्योर हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। आई शुड लाइक इट एक्सटेंडिंगली। मैं इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करूँगी। रोजामंड कैप्ट हर हेड टर्न्ड टू लुक एट द पर्पल वेस, स्टिल शी कुड नॉट सी इट लॉन्गर। रोजामंड चलते चलते उस फूलदान को तब तक देखती रही जब तक कि वो उसे दिखना बंद नहीं हो गया। देन मदर सेड शी आफ्टर द पॉज, परहैप्स यू हैव नो मनी। उसने थोड़ा रुक कर कहा, तो माँ शायद आपके पास पैसे नहीं है। यस आई हैव, हाँ ऐसा ही। डियर इफ आई हैड मनी आई वुड बाय रोजेज बॉक्सेज एंड पर्पल फ्लावर पॉट्स एंड एवरीथिंग। रोजामंड वॉज ऑब्लिग्ड टू पॉज इन द मिडस्ट ऑफ हर स्पीच। उसकी माँ ने उसको उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा कि हाँ प्रिय, सच में मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वो फूल, वो बॉक्सेस और वो पर्पल फ्लावर पॉट सब कुछ खरीद लेती। ओह मम्मा वुड यू स्टॉप अ मिनट फॉर मी, आई हैव गॉट अ स्टोन इन माई शूज एंड इट हर्ट्स मी वेरी मच। ओह माँ क्या तुम मेरे लिए 2 मिनट रुकोगी, क्योंकि मेरे जूते में एक पत्थर आ गया है जो कि मुझे बहुत चोट पहुंचा रहा है। हाउ केम देयर टू बी अ स्टोन इन योर शू, तुम्हारे जूते में ये पत्थर आया कैसे। बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट होल मम्मा, इस बड़े छेद की वजह से मम्मा। इट कम्स इन देयर, जो कि यहाँ पर हो गया है। माई शूज आर क्वाइट वॉर्न आउट, मेरे जूते शायद फट गए हैं। आई विश यू हैड बी सो वेरी गुड एज टू गिव मी द अनदर पेयर। काश बहुत अच्छा होता अगर तुम मुझे एक और जूतों की जोड़ी दे देती तो। नो रोजामंड बट आई डोंट हैव मनी इनफ टू बाय शूज एंड फ्लावर पॉट्स एंड बॉक्सेस एंड एवरीथिंग। नहीं रोजामंड, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें जूते दिला सकूं, फ्लावर पॉट खरीद सकूं और बाकी सारी चीज़ें खरीद सकूं। रोजामंड थॉट दैट वॉज अ ग्रेट पिटी। बट नाउ हर फूड which had been hurt by the stone began to give her so much pain and she was obliged to hope every other step and she could
थिंक ऑफ नथिंग एल्स। लेकिन अब उसके पैर में बहुत दर्द होने लगा, जो कि पत्थर की वजह से हर्ट हुआ हुआ था, पत्थर की वजह से चोटिल हुआ हुआ था। लेकिन अब वह बाध्य हो गई कि उसे कूद कूद कर चलना पड़ता, वो ढंग से नहीं चल सकती थी। और वो इसके अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रही थी। Then they came to a shoemaker's shop soon onwards. फिर वे जूता बनाने वाले की दुकान पे आए। There, there, mama, there are shoes. वहाँ, वहाँ, मम्मा, वहाँ पर बहुत सारे जूते हैं। There are little shoes that would just fit me. वहाँ पर छोटे छोटे जूते हैं जो कि मुझे पूरे हो जाएंगे। And you know, shoes would be really be of use to me. और आप जानती हो कि ये मुझे बहुत ही useful है ये मेरे लिए। Yes, so they would Rosamond come in. हाँ, है तो Rosamond अंदर आओ। अब अंदर जाने के बाद क्या होता है ये मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।